बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जी हम भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ दे। तो इसी के साथ करती हूँ जी आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आ रही है अनाया बिटिया, भाभी महवश और भाई फियाज। उन्होंने आने से पहले मैंने कॉल की थी उनको कि आप लोग इधर आए हुए हैं, जाते हुए ना मुझे मिलके जाना। वो कह रहे थे कि आपके आने कहने से पहले ही ना हम आपकी तरफ घर पहुंचने वाले हैं, आप आज चाय बनाओ तो फटोफट, क्योंकि आज अमेमा की हुई है करवाइए छुट्टी, उसको कल का ना बुखार है तो उस सर्दी की वजह से नज़ला बुखार ज़ुकाम बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इसलिए अभी दरवाज़ा बंद करती हूँ और चाय मैंने रख ली है। फिर मैंने एंट्रो शुरू की है, मैंने कहा उनके आने से पहले ना मैं अपना काम शुरू कर लूँ फटोफट। तो अमेमा बिटिया को भेजा है बिस्किट लेने, वो दुकान वाले भाई ने जो अंकल है उसने जो बिस्किट कहा था वो नहीं दिया, एक जे वाला दे दिया है और पाँच पाँच की ना जे निमको दे दी उसके। अब दोबारा अमेमा को भेजा, उसे बुखार भी है, लेकिन मैंने कहा मैं चाय बना लूँ, आप बेटा जल्दी जल्दी लेके आओ। वो लोग सर्दी में आ रहे हैं अनाया बिटिया, तो अमेमा बड़ी खुश हो गई है अनाया की वजह से ना उसका बुखार आधा उतर गया कि अनाया आ रही है। तो इसलिए अभी किचन में खड़ी हूँ क्योंकि बिस्तर में हम लोग चले गए थे, दूध लेके आई थी तो दूध रखा है बिस्तर में चले गई थी। अमेमा को मैंने कहा दवाई मेडिसिन वगैरह देती हूँ तो फिर देखती हूँ कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए वरना और मेडिसिन लेके आऊँगी। लेकिन मैं फिर मैंने कहा भाभी मैं अवश्य पूछती हूँ, उसकी ना कोई आईडी वगैरह जो थी ना वो पता नहीं क्या मसला बना हुआ था। इसलिए वो गए थे भाई अली लोगों के पास उधर, तो भाई फियाज भी उधर ही थे, तो उधर से आते हुए अभी हमारे घर आ रहे हैं जी। इसलिए दिल काफ़ी खुश हो गया, सर्दी भी कम लगनी शुरू हो गई हो जी। ले आइयो जी ये वाली, चलो वो पाँच पाँच वाली आप खा लेना, तो ये जो मिली है ना ये मेहमानों के लिए रख लेना, ठीक है ना। हाँ जी जी ये मेहमा मेरी क्या बुखार है, तब भी अनाया के आने की वजह से ना कुछ ठीक हो गई है, इस तरह ही है ना मेरी बेटी ठीक हो गई है ना। हाँ। आप ये अनाया आ रही है इसलिए। हाँ जी मुझे पता है, चलो बाहर ना जाओ अभी, गेट वैसे बंद करके कुंडी ना लगाओ, ठीक है ना। तो अभी जी चाय बन रही है, दूध डाल के ना मैंने पत्ती छत्ती डाल दी है। हाँ जी अच्छा, चलो अपना रुमाल भी ले, रुमाल ले के आना, नोजी साफ करनी रुमाल ले के आ, इस तरह हैं जाओ। एक अनाया दे देना, एक तू खा ली अच्छा। तो बाकी मेहमान दे देंगे, ठीक है ना। हाँ बिस्किट बन गए, इस तरह के होंगे हम, चलो फिर जे जिस तरह के भी हो जी, चलो फिर अभी जी चाय बन रही है। हाँ जी जी खुशी के बेच ना चीनी पानी ज़्यादा भुल गई थी, हूँ पानी भाभी मैं भी थोड़ी जी पीनी, थोड़ी चीनी वाली चाय तो असी पीनी है ज़्यादा चीनी वाली, पहले थोड़ी पा लेंगे फिर बाद ज़्यादा पा लेंगे। हूँ तेरा बुखार उतर गया है, मैनू पता था मामा का बुखार उतर गया, भी मेरे मामू आते पे थे नाल आंटी थे नाल अनाया फातमा थे। हाँ दो कढ़निया, चलो भाइया ने कहना मेहमान बुखार नहीं सी होया है ना, ये तां काम करती सी नाले अपना। मैं लाइट बंद कर ला, हाँ पिरचा उ रख के ना, तो रुमाल लैके अपना रैपर चुके उधर रख, कुड़ी वाली बाल्टी पा इन्हें इत रख दे, बेच बाद पाते ना आत लैन देना उन्होंने, हाँ रैपर चुके ना रुमाल लैके आओ बैग चो कट के अपना, तो दरवाजा बंद करेंगे जिस कमरे च असी सोई दा ना। चाह साड़ी पक गई हूँ, घर के मेहमानों का इंतजार, वो कहें कि बाजी पहले ही बना ले, बाजी बड़ी देर ला दें, तो इस वास्ते उधरों बवंजा चो निकले तो उन्होंने कहा चाह पका लिया, तो हूँ है सुनाओ जी की हाल है थोड़ा, ठीक ठाक हो? ठीक अल्लाह पाक। अनाया फातमा जी छोटी जी मिली आई, ए
ਉੱਤੇ ਕਿਥੇ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆ ਬੱਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਪਰ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਆ ਮਮਾ ਤੇਰਾ ਐ ਮਮਾ ਤੇਰੇ ਐ ਮਮਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਾਇ ਸਿੱਖਾ ਹਾਏ 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 ਤੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਬਿੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਪੀ ਪਾਈ आप ठीक हो गए चली चल आ वेखा आंदिया ही पप्पो दी टाक ते चढ़ गई ये पता ही ऐसी है मैनू ना उठी आ जाऊं मैं तो करा हां शरबत पीना गोली खानी मैं दे आई पीना बात पे दिया रात में ओदा कप्पा मैं मां चल गए हैं बड़े भाई स्कूल गए ने हां गच्चा मोटा ओ बिंदी चार हुन बिस्किट खाना बाजी जी ठंडी बड़ी बच्चे की करन सर्दी तो बहुत ज्यादा सर्दी पकड़ छोटी जी बहना पकड़ अज मैं कपड़े सोने पाए ने आज तो नहीं मैं गंदे पाए अच्छा जी मैं भी फटाफट चाय पी लूं क्योंकि भाई प्यास नहीं ना फिर खुद चाय पी लेनी है मेरे पापा जा पता ना ये पापा सारे दे बच्चों दा इतना करदा सी इतना करदा सी ये अपने पापा को एडी खुश होके नहीं जांदी बाकी सारे को जांदी हीरा भी अपने पापा को नहीं जांदी बाकी सारे को जांदी गर्मियां आ रहे हैं तो पापा दे कोल पीछे पीछे रहंगे हां जी नहीं अब बहुत प्यार कर देने ना फातिमा ने फिर जो चुक पता हूं इन समझ हो जाती है ना वो बाहर आ जाए तो फिर रोंदी मैं चुक के बाहर ले जाओ तो पापा के पीछे ही रहेंगे और बाजी भाई भाई ठीक ठाक बहुत छत्ती है बहुत छत्ती के दोवें भैनों ने छदियां ला गई कालो 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 जल्दी जल्दी कालो मैं भी अब चाय पी लू बाहर निकले शुक्र होया अंदरू बाहर निकले रहना पप्पा को पप्पा दी बाहर निकले हम तो उससे देख दिए जोंडी ना हुन दो भी भाइयों ने भी दे नहीं दे नहीं आ ला भाइयों ने फिर कहना चाहना दी भाइयों ने दे दी ओना ना पहले सलाम दे भाइयों ने अच्छा बाजी प्यार दे आजे बच्चे ने अच्छा ओना ने आना ते आवे चलो ठीक है रोटी पानी कोई शेयर ना कोई चीज नहीं चलो बाय बाय पप्पा जी इधर बच्चे जा रही हूं मैं जा रही हूं बाय 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 आ देखो देख लूं बाय 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 रहमान रहीम जी भाभी महवेश अनाया फातिमा और भाई फयाज माशरा जी चले गए चाय शाय पी के पास मैमा को मिलना था देखना था ऐसे देख गए मैमा बेटियाँ और मैं दोनों बिस्तर में बैठ गई हैं और सर्दी काफ़ी ज़्यादा क्योंकि 10:30 का टाइम हुआ है अभी तो इसलिए अभी बच्चों ने आना है 2 बजे मैंने कहा उतनी देर बिस्तर में बैठते हैं सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और मैमा नीमको खा रही है मम्मा जी खानी है नीमको तो अभी बैठ के माँ बेटी नीमको खाती हैं फिर उसके बाद बिस्तर में लेट जाएंगे मेरे साथ अपने रखे हुए माल्टे के बीपी अगर ज़्यादा हो तो माल्टे उसे ठीक हो जाता है मेरा तो इसलिए वो खाती हूँ 1-2 तो फिर बिस्तर में चले लेट जाएंगे वो फिर सो जाएंगे साथ साथ मैमा बेटी की नीमको खाएँगे तो वीडियो क्या मैं इधर ही करती हूँ जो है हमारी आज की वीडियो जिन बहन भाइयों को पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा हंसते मुस्कराते रहो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।